ग्यारहवीं की लेखा शास्त्री क्लास में आपका स्वागत है बेटा। आपका कोर्स हो गया है। आपको परीक्षा की दृष्टि से मैं छोटे छोटे प्रश्नों को आज बताऊंगी, जिसको आप पढ़ोगे और याद करोगे, कॉपी में लिखोगे। तो बच्चों अगर आप पढ़ेंगे लेखा शास्त्र में, लेखा शास्त्र का प्रस्ताव के पाठ के कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले अपन बेटा वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही ले लेते हैं। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको लेना है कि पुस्तक पालन व्यवसाय व्यापारों को निश्चित सिद्धांतों के आधार पर शुद्धता पूर्वक लिखने का क्या है। ये जो पुस्तक पालन है वो व्यवसायिक व्यवहार है, वो निश्चित सिद्धांतों पर आधारों पर शुद्धता पूर्वक लिखने का। तो उसका फर्स्ट ऑप्शन है बेटा विज्ञान, दूसरा है कला, तीसरा है विज्ञान एवं कला, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दूं विज्ञान एवं कला ये इसका सही आंसर है। पुस्तक पालन व्यवसायिक व्यवहारों को निश्चित सिद्धांतों के आधार पर शुद्धता पूर्वक लिखने का विज्ञान एवं कला ये दोनों है। तो इसका सही उत्तर हुआ विज्ञान और कला। फिर निम्न में से लेखांकन प्रतिक्रिया का अंतिम चरण है। तो ये निम्नलिखित में से लेखांकन प्रतिक्रिया का जो अंतिम चरण है वो क्या है। तो इसके भी ऑप्शन है बेटा व्यवहारों का लिखना, वित्तीय विवरण, वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण, और चौथा है वित्तीय सूचनाओं का विश्लेषण एवं व्याख्या। तो इसका सही ऑप्शन है बेटा वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण। तो जो लेखांकन की प्रतिक्रिया है उसका अंतिम जो चरण है वो क्या है, वित्तीय सूचनाओं का संप्रेषण। उसके बाद है लेखों में खाली स्थान व्यवहारों का लेखा किया जाता है। लेखों में खाली स्थान व्यवहारों का लेखा किया जाता है। तो सबसे पहला ऑप्शन है इसका वित्तीय, बी है प्राकृति, तीसरा है इसका बी, सी है मानवी, चौथी ऑप्शन है इसका इनमें से कोई नहीं। तो दो लेखे के व्यवहारों में जो लेखा किया जाता है काय पर किया जाता है, वित्तीय स्थिति पर किया जाता है। अगर वित्तीय स्थिति नहीं होगी तो लेखे कहां से बनेंगे, क्योंकि प्राकृतिक और मानवीय आधारों पर लेखे तैयार नहीं किए जाते। निम्न में से कौन सा लेखांकन शाखा है, निम्न में से कौन सा लेखांकन शाखा है। तो पहला है वित्तीय लेखांकन, दूसरा है लागत लेखांकन, तीसरा है प्रबंधकीय लेखांकन, और चौथा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त सभी, वित्तीय लेखांकन, लागत लेखांकन, प्रबंधकीय लेखांकन। तो लेखांकन में सभी शाखाएं आती हैं, वित्तीय लेखांकन भी आता है, लागत लेखांकन भी आता है, और प्रबंधकीय लेखांकन। तो इसका ऑप्शन बी वाला होगा उपयुक्त सभी। वित्तीय लेखांकन का आधारभूत कार्य है, जो वित्तीय लेखांकन है उसका आधारभूत कार्य क्या है। तो उसका आधारभूत कार्य है सभी व्यवसायिक व्यवहारों का लेखा करना, वित्तीय आंकड़ों का व्याख्या करना, प्रबंधकीय कुशलता पूर्वक कार्य करने के सहयोग देना, इनमें से कोई नहीं। तो जो वित्तीय लेखांकन का आधार है वो काय पर है, सभी व्यवसायिक व्यवहारों का लेखा करना। जो अपन वित्तीय वर्ष वित्तीय लेखा बनाते हैं, वित्तीय लेखा बनाने के लिए इसका सही ऑप्शन है सभी व्यवसायिक व्यवहारों का लेखांकन करना। तो इसका ये आपका सही ऑप्शन हो गया। फिर है खातों में व्यवहारों की खतौनी मतलब पोस्टिंग किससे की जाती है। तो खातों में जो व्यवहार होते हैं उसकी खतौनी किससे की जाती है, बाउचर से, जनरल वही से, इनमें से दोनों से, और इनमें से कोई नहीं से। तो जो खातों की व्यवहार खतौनी है उसकी जो आप जिसकी जनरल वही से की जाती है, जो खातों के व्यवहार की खतौनी होती है, पोस्टिंग होती है, वह कैसे होती है, जनरल वही से होती है। आपको परीक्षा में एक नंबर के जो प्रश्न पूछे जाएंगे बेटा इसी टाइप के क्वेश्चन होंगे, और आपको ये अच्छे से बुक में देखकर आपको इसका अध्ययन करना है। फिर है बेटा पुस्तपाल की प्रारंभिक इकाई है।
वो पुस्तपालन की प्रारंभ। पुस्तकपालन पालन व्यापारिक लेन देनों का बाहियों के समूह को लिखने की कला है। तो ये किसकी परिभाषा है? आर एन क्वार्टर, जे आर बटालियन, सी है विलियम पिट और इनमें से कोई नहीं। तो बेटा जो पुस्तक पालन है उसकी परिभाषा किसकी है? मैंने आपको पहले ही बताया था, जे आर बटालियन बॉटली बाय की ये परिभाषा है। ये जो परिभाषा है, पुस्तक पाल व्यापारिक लेन देनों की बारियों को समूह लिखने की कला है। तो इसका किसके राय तक ये जो परिभाषा है किसने दी है? जे आर बॉटली बाय की ये परिभाषा है। फिर व्यापारिक व्यवहारों को हिसाब किताब की निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को कहते हैं। जो व्यापारिक व्यवहारों के हिसाब किताब, व्यापारिक व्यवहार के हिसाब किताब को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला को कहते हैं। फर्स्ट ए ऑप्शन है बेटा इसका लेखाकरण, बी पुस्तपालन, सी खाता बही और डी हो गया इनमें से कोई नहीं। तो जो पुस्तपालन है, पालन है जो ये व्यवहारिक हिसाब किताब को निश्चित पुस्तकों में लिखने की कला है, तो ये पुस्तपालन है। फिर व्यापारियों द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन, जो व्यापारियों द्वारा व्यवसाय में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन या माल या संपत्ति को कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है लाभ, दूसरा है इसका ऑप्शन पूंजी, तीसरा ऑप्शन है सी स्थायी संपत्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो व्यापारियों द्वारा व्यापार में धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन क्या होता है? वह होती है पूंजी। अगर किसी व्यवसाय को हम शुरू करेंगे तो सबसे पहले अपन को पूंजी की व्यवस्था करनी होगी और व्यापार में लाभ कमाकर धन कमाने के उद्देश्य से लगाया गया धन माल या संपत्ति को पूंजी कहते हैं। ऐसे व्यक्ति फर्म या संस्था को माल या सेवाओं का मूल नगद में नहीं देते, व्यवहार का लेन देन है। तो व्यवहार के लेन देन में ऐसे लेन देन, ए ऑप्शन होगा लेन देन, बी होगा स्वामी, सी ऑप्शन होगा देनदार और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे व्यक्ति फर्म द्वारा जो माल या सेवाओं का मूल नगद नहीं देता व्यापार का, तो उसे क्या कहते हैं? देनदार। क्या कहते हैं उसे? देनदार कहते हैं। फिर बेटा उसके बाद आपका एक शब्द में या एक वाक्य में उत्तर दीजिए। एक शब्द में या एक वाक्य में, तो कोई भी वैधानिक कार्य जो लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? मतलब कोई भी जो वैधानिक कार्य होता है, वैधानिक कार्य जो लाभ अर्जित करने की दृष्टि से किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है बेटा, उसे व्यवसाय कहते हैं। उसे व्यवसाय कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? व्यवसाय कहते हैं। फिर है स्थायी संपत्ति के क्रय पर किए गए व्यय की प्रकृति कैसी होती है? जो स्थायी संपत्ति है उसे क्रय किए गए व्यय की प्रकृति कैसी होती है? तो उसकी प्रकृति कैसी होती है? उसकी प्रकृति होती है पूंजीगत। कैसी होती है? इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर है पूंजीगत। तो स्थायी संपत्ति में क्रय किए गए व्यय की प्रकृति कैसी होती है? फिर तीसरा है वह प्रणाली जिसमें प्रत्येक सौदे का लेखा एक ही पक्ष पे करते हैं क्या कहलाती है? वह प्रणाली जिसमें प्रत्येक सौदे का लेखा एक ही पक्ष में करते हैं वह क्या कहलाती है? वह कौन सी प्रणाली होती है? तो वह इखेरा प्रणाली होती है। कौन सी प्रणाली होती है? इसका आंसर है बेटा
पर नगद सौदों में दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है? इसका केवल नगद सौदों में दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है? तो इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर है नगद बट्टा। ये इसका आंसर, केवल नगद सौदों पे दी जाने वाली छूट को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हुआ नगद बट्टा। फिर है किसी मतलब निजी प्रयोग के लिए व्यवहारों से माल निकालने को किस खाता में नाम से जाना जाता है? तो आप निजी प्रयोग के लिए जैसे बैंक से कोई आपको अगर बैंक से राशि निकालनी है, या निजी प्रयोग के लिए व्यापार से माल निकालने के लिए किस खाते से इसे जाना जाएगा? तो इसका आंसर है बेटा अहरण खाता। इसका आंसर है अहरण, अहरण। तो इसे किस नाम से जानेंगे? आहरण से जानेंगे, क्योंकि अपन किसी बैंक से पैसा निकालते हैं तो वह क्या करते हैं, आहरित करते हैं, उसे आहरण कहते हैं। फिर व्यापार की वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए, व्यापार की वित्तीय स्थिति को दर्शाने के लिए दर्शाने वाला विवरण क्या कहलाता है? तो जो व्यापार की वित्तीय स्थिति होती है, अपन व्यापारी खाता बनाते हैं उसमें वित्तीय स्थिति दर्शाते हैं, वह कौन सा खाते में दर्शाते हैं? बोल कौन से खाते में दर्शाते हैं? तो अपन उसको चिट्ठे में क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये हो गया चिट्ठा। तो ये परीक्षा की दृष्टि से बेटा आपके एक नंबर के पूछे जाने वाले प्रश्नों में से प्रश्न है। तो कोई वैधानिक कार्य को लाभ अर्जित करने के लिए अपन क्या करते हैं, उसके लिए अपन व्यवसाय कहते हैं। फिर स्थायी संपत्ति के क्रय में प्रकृति कैसी होती है? पूंजीगत। वह प्रणाली जिसमें प्रत्येक सौदे का लेखा एक ही पक्ष में, मतलब एक ही पक्ष में, उसे कहेंगे एकहरा लेखा प्रणाली। अगर दो पक्षों में लिखी जाएगी उसे दोहरा लेखा प्रणाली कहेंगे। तो डेबिट और क्रेडिट साइड हो जाएगा। फिर केवल नगद सौदों में दी जाने वाली छूट को कहते हैं नगद बट्टा कहते हैं। निजी प्रयोगों के लिए व्यापार में माल लिखने से, मतलब जो खाता आप खुद ही मतलब निजी तौर पर अगर पैसा बैंक से पैसा निकालते हैं उसे कहते हैं आहरण। फिर है व्यापार की वित्तीय स्थिति दर्शाने वाला चिट्ठा कौन सा होता है, मतलब स्थिति विवरण बताने वाला वह होता है चिट्ठा। फिर उसके बाद है तो व्यापार लेखांकन की किस प्रकार के व्यवहारों का लेखा, लेखांकन में कि आपको परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न है बेटा, लेखांकन में किस प्रकार के व्यवहारों का लेखा किया जाता है? तो लेखांकन में केवल मौद्रिक या वित्तीय प्राकृतिक और व्यवहारों का लेखा किया जाता है, व्यवहारों का नहीं, अन्य व्यवहारों का नहीं, जैसे क्रय या विक्रय। तो लेखांकन है उसे मौद्रिक और वित्तीय प्राकृतिक और व्यवहार जो लेखे किया जाए उसमें क्रय और विक्रय आदि। फिर है व्यवसाय में किस विवरण द्वारा, व्यवसाय में किस विवरण द्वारा वित्तीय स्थिति का पता लगाया जा सकता है? तो एक निश्चित स्थिति में व्यवसाय की स्थिति चिट्ठे या स्थिति विवरण द्वारा क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित किया की जाती है। फिर उसके बाद है लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, तर्क सहित स्पष्ट कीजिए। तो लेखांकन व्यवसाय की भाषा है, तब तो लेखांकन है उसमें केवल व्यवसायिक व्यवहारिक नहीं, व्यवसायिक और लेखांकन की उसमें भाषा का उपयोग होता है। लेखांकन व्यवसाय गतिविधियों और परिणामों से अवगत होने की प्रक्रिया है, मतलब जो लेखांकन है वो व्यवसाय गतिविधियों के जो परिणाम होते हैं उससे अवगत कराने की क्या है, प्रक्रिया। फिर है पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य है वित्तीय व्यवहारों को विधिवत अभिलेख रखना। क्या वित्तीय प्रबंधक, क्या
संदर्भ के पद पर नियुक्ति को लेखा पुस्तकों में लिखा जाएगा? यदि हाँ तो क्यों, और यदि नहीं तो क्यों नहीं, तर्क सहित बताइए। तो वित्तीय प्रबंधक के पद पर नियुक्ति मौद्रिक व्यवहारों से नहीं है, यह कार्मिक व्यवहारों से है। अतः वित्तीय व्यवहार न होने के कारण इसका लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाएगा। तब जो वित्तीय व्यवहार वित्तीय प्रबंधक के पद पे नियुक्त मौद्रिक व्यवहार नहीं है, ये कार्मिक व्यवहार है। अतः वित्तीय व्यवहार ना होने के कारण इनका लेखा पुस्तकों में नहीं लिखा जाएगा। फिर उसके बाद में बेटा, ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे प्रश्न है जो है ना। फिर लेखांकन की परिभाषा दीजिए या लेखांकन का अर्थ लिखिए। तो लेखांकन सौदे एवं घटनाओं को जो न्यूनाधिक वित्तीय प्रकृति के होते हैं पुस्तकों में लिखना, वर्गीकरण करना, उनका सारांश निकालना और अंतिम परिणामों की व्याख्या करना लेखांकन होता है। लेखांकन क्या होता है? लेखांकन सौदों एवं घटनाओं की न्यूनाधिक वित्तीय प्रकृति के होते हैं पुस्तकों में लिखना, वर्गीकरण करना और उनका सारांश निकालकर अंतिम परिणामों की व्याख्या करना ही लेखांकन होता है। किस प्रकार के कार्यों को लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता है? तो वित्तीय व्यवहारों को पुस्तकों में लिखना, जो वित्तीय व्यवहार होते हैं पुस्तकों में लिखना, आर्थिक क्रियाओं के परिणामों को जानना, लाभ हानि ज्ञात करना, व्यवसाय और पक्षकारों को सूचना प्रदान करना, निर्णयों में सहायता करने के लिए उपयोगकर्ताओं को सूचना प्रदान करना। तो किस प्रकार के कार्यों को लेखांकन में शामिल किया जाता है? तो उसमें पुस्तक पालों में लिखना, आर्थिक क्रिया के परिणामों को जानना, लाभ हानि ज्ञात करना और व्यवसाय के विभिन्न पक्षकारों की सूचना करना, निर्णय लेने में क्या करते हैं, सहायक होते हैं। फिर लेखांकन का अंतिम चरण क्या है? तो लेखांकन का अंतिम चरण अन्य आय विवरण, मतलब जो लेखांकन का अंतिम चरण होता है आय विवरण, उसमें लाभ हानि खाता एवं स्थिति विवरण, उसे चिट्ठा भी कहते हैं। फिर पुस्तपाल के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं? तो पुस्तपालन के अंतर्गत व्यवसायिक वित्तीय सौदों को पुस्तकों में लिखना, प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में खाता बही की खतौनी की जाती है, इसके पश्चात उसे उसका शेष क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। तो पुस्तपाल के अंतर्गत कौन से कार्य किए जाते हैं? तो उसके अंतर्गत व्यवसायिक वित्तीय सौदों को पुस्तकों में लिखा जाता है, प्रारंभिक लेखों को पुस्तकों में खाता बही और खतौनी की जाती है, इसके पश्चात सिद्धांतों के आधार पर तिथिवार जो पुस्तपालन होती है उसमें तिथिवार, क्रमवार और व्यवसायिक वित्ती और प्राकृतिक व्यवहारों को प्रारंभिक पुस्तकों में लिखना ही पुस्तपालन में, जो खाता बही में खतौनी करना भी पुस्तपालन का ही कार्य है। यह लेखांकन प्रक्रिया का क्या है? प्रथम चरण है। प्रथम चरण क्या है? पुस्तपालन का प्रथम चरण है। लेखांकन की प्रक्रिया का प्रथम चरण क्या है? पुस्तपालन। लेखे में सिद्धांतों के आधार पर तिथिवार, क्रमवार और व्यवसायिक वित्ति के आधार पर व्यवहारों को प्रारंभिक पुस्तकों में क्या किया जाता है, लिखा जाता है। खाता बही में खतौनी करना और पुस्तपालन का कार्य है और यह लेखांकन की प्रक्रिया का क्या है, प्रथम चरण। तो बच्चों, ये परीक्षा की दृष्टि से आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न थे। आज आपको मैंने 1 नंबर और 2 नंबर के प्रश्नों का अध्ययन कराया। आप इनको पिटा अच्छे से, आपके लिए नया विषय है 11वीं के बच्चों, तो आपको बुक से ध्यान देकर पढ़ना होगा और इसको कॉपी में नोट करें और परीक्षा के लिए अपनी तैयारी शुरू करें। धन्यवाद।